Hi everyone, I'm Sandeep Bens. I hope you all are well. Welcome back to my YouTube channel Punjabi Makeover Tips. Video start करने से पहले अगर आप भी मेरे YouTube channel पर पहली बार आए हैं तो YouTube channel को जरूर subscribe कर लीजिएगा ताकि next video upload होते ही आपको easily notification मिल सके. आज के video में मैं आपके साथ share करने वाली हूँ Hair Growth Serum brand from Pelgrim. वीडियो की स्टार्टिंग हम करेंगे प्रोडक्ट अनपैकिंग के साथ एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम विद ग्रीन टी. जो ये प्रोडक्ट है इसका मेन इंग्रेडिएंट है ग्रीन टी. ऑल हेयर टाइप्स के लिए जो ये प्रोडक्ट है, चाहे कलर्ड हेयर हो, नॉर्मल हेयर हो, आपने कैरा स्मूथ करा रखा है, आपने स्मूथनिंग करवा रखी है, देन भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं. सो इस तरह का इसका आउटर कंटेनर है, एक कांच का आउटर कंटेनर है. अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के मेन इन्ग्रीडियंट्स की. इसमें यूज़ किया गया है प्योरीफाइड वाटर, ग्लिसरीन, वुडन एक्सट्रैक्ट, जिंक क्लोराइड, लीफ एक्सट्रैक्ट, पोटाशियम सोर्बेट, पैथेनॉल जैसे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया. जो ये प्रोडक्ट है ये एक वाटर स्ट्रक्चर में है, एक रनिंग कंसिस्टेंसी में जो ये प्रोडक्ट है. नेक्स्ट, इस प्रोडक्ट का प्राइस है 850 और इसमें आपको क्वांटिटी मिलेगी 50 ml. पहले भी मैंने आपको बता दिया जो ये सीरम है ये हेयर ग्रोथ सीरम है. यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मींस प्रॉपर ग्रोथ नहीं है, ठीक है. जो स्कैल्प है वहाँ पे खाली स्पेस है, पूरे प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है स्कैल्प में, ठीक है. जिन लोगों के थीनिंग की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, ठीक है, एलोफीजिया की प्रॉब्लम है, वो इस सीरम को ज़रूर यूज़ करें. अगर आप इस सीरम का यूज़ करेंगे तो आपके प्रॉपर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा. लास्ट कम से कम 20 से 25 दिन हो गए हैं मैं इस सीरम का यूज़ कर रही हूँ. मुझे इसके अच्छे रिज़ल्ट लग रहे हैं, ठीक है, मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है एक्चुअली, ठीक है. सो इसके यूज़ के बाद बाल काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, हेल्दी फील होते हैं, ठीक है, बाल, ठीक है. सो मुझे लगता है कि ये एक काफ़ी अच्छा सीरम है और मुझे अपनी ऑडियंस को इस सीरम के लिए ज़रूर सजेस्ट करना चाहिए, ठीक है. जिनके गंजापन की प्रॉब्लम है वो भी इस सीरम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सो आपके ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा इस सीरम से. आपको क्या करना है, सेक्शन वाइज इस बोतल के अंदर, कंटेनर के अंदर पंप है, पंप के ज़रिए आप सेक्शन वाइज ईजिली इस सीरम को अपनी स्कैल्प में अप्लाई कर सकते हैं. आफ्टर देन स्कैल्प पर हमें अपने फिंगर टिप्स के साथ हल्की मसाज करनी है इस सीरम को यूज़ करने के बाद, ठीक है. हल्की मसाज करेंगे, ठीक है. मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आपको ये जो सीरम है इसे ओवरनाइट लगा कर रखना है, आफ्टर देन आप नेक्स्ट डे वॉश कर सकते हैं. अच्छा जी, जब आपको ये सीरम लगाना है आपकी जो स्कैल्प है अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, ठीक है. मैं 2 या 3 दिन के बाद वॉश करती हूँ और मैं इस सीरम का यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है. स्कैल्प पर, क्लीन स्कैल्प पर आपको इस सीरम का यूज़ करना है. बहुत सारे लोगों की ये भी कंप्लेन रहती है कि हमारी आईब्रो की जो ग्रोथ होती है वो प्रॉपरली नहीं हो रही है, ठीक है. उस प्रॉब्लम का सलूशन भी ये हेयर सीरम है. चलिए देखिए कि मैं आईब्रो पर इस सीरम का किस तरह से यूज़ करती हूँ. ईयरबड पर 2 से 3 ड्रॉप हम इस सीरम के लेंगे और इसे अपनी आईब्रो की अकॉर्डिंग टू ग्रोथ, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ, इस ईयरबड को हम अपने आईब्रो पर अप्लाई करेंगे. आफ्टर देन मसाज करेंगे फिंगर टिप्स के साथ जस्ट सॉफ्टली. अगर आप इस चीज़ को, जो ये हेयर सीरम है, इसे रात में अपने हेयर और अपने आईब्रो वाले साइड में अप्लाई करेंगे तो अच्छे से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा. अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं आपको इस सीरम को लगा के रखना है पूरी रात, आफ्टर देन आप इसके बेस्ट रिजल्ट देखेंगे. तो ये था हमारा आज का रिव्यू वीडियो. आई होप जब आप प्रोडक्ट परचेज करोगे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग.